होता है। हम तो कहे केहू कही ना ये नाच होता कि ड्रामा होता, नेता लोग ना है कटुआ लोग है कुल धन हड़पे वाला। ये नेता कोई खड़ा बानू भारत के अंदर चाहे कोई प्रत्याशी दिल्ली से लेकर यहाँ तक सब गर्दन काटे वाला लोग काट कर खून बाबा का चले जाते हैं। प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, कहते नहीं रोज डाल दान 5,000 खाता 2,00,000 खाता राजू गांधी खटाखट बदल दान पैसा वो उनको विश्वास नहीं किया, कोई यानी पर विश्वास हमारा भारत में नहीं की। अब नहीं ना तरारी विधानसभा के उपचुनाव को अब मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं और मतदान का समय जो है वो 13 तारीख को निर्धारित किया गया है। इस वक्त हम अभी मौजूद है तरारी विधानसभा के हसन बाजार में, जहां आप देख सकते हैं ये पान की दुकान है और ये पान की दुकान पे कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तरारी के चुनाव को लेकर जनता में किस तरह का माहौल है। सीधे हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, किस तरह का माहौल है, चुनावी रंग में रंग चुके हैं यहाँ की जनता? हाँ रंग चुके हैं। कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। किसके जीतने की आशा है? अरे तो जिसका जिसका अतिया है सब अपन, हम लोग पांडे जी का सपोर्ट आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। लहर किसका लग रहा है, चूंकि किसके बीच में लड़ाई दिखाई? दोनों माले और पांडे जी में है। अच्छा, अच्छा ये बताइए, चुनाव तो आता है, टक्कर होती रहती है उम्मीदवारों के बीच में, लेकिन ऐसा क्या लगता है कि जो तरारी विधानसभा में होना चाहिए था वो नहीं अभी तक हुआ है? मुद्दा विकास जो है, तो देखिए रोड सब खत्म हो गया है, रोड है कहाँ? 10 साल में सुधामा कुछ नहीं किए हैं। हाँ कुछ नहीं किए हैं? नहीं नहीं। तो क्यों, मैंने कारण क्या रहा होगा, क्यों नहीं हुआ? मालूम नहीं कि किस लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए कि जब सुधामा जी यहाँ विधायक रहा करते थे, अब वो सांसद बन गए हैं, फिर भी उनकी पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि टक्कर वही दोनों के बीच में है। हाँ। तो क्या जनता विकास के मुद्दे पे वोट नहीं कर रही है? नहीं, विकास यहाँ ढूंढने वाले कोई नहीं है। नहीं। तो अभी लहर सबसे ज्यादा किसकी? वही दोनों पार्टी का लहर है। कौन कौन से? माले और भाजपा। माले और भाजपा, जी हाँ। साफ तौर पर इनका कहना है कि माले और भाजपा के बीच में ही जबरदस्त टक्कर है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या कह रहा है तरारी का? तरारी का दोनों को कटे के लड़ाई है चल रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो पलरा किसका सबसे ज्यादा भारी चल रहा है? देखिए अभी पलरा नहीं कहा जा सकता है कब किसका क्या होगा, लेकिन कटा की लड़ाई है। जी कटे। अच्छा ये बताइए, जो आपके अभी वर्तमान सांसद है सुदामा जी, यहाँ 10 साल से वो विधायक भी रह चुके हैं इस क्षेत्र के, उसके पहले सुनील पांडे भी यहाँ लंबे समय में विधायक रह चुके हैं, इन दोनों लोगों के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो विकास किसमें सबसे ज्यादा हुआ है? देखिए दोनों अपना अपना काम कुछ ना कुछ किए हैं। दोनों में सबसे ज्यादा कहाँ किसमें काम हुआ? अब ज्यादा कहाँ कहा जाएगा, दोनों अपना अपना जो है वो अपना किया है, कहीं कम या कहीं बेसी। अच्छा इस बार क्या विकास का मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा नहीं है, वो लोग अपना पार्टी मोड़ के रहते हैं। क्या लग रहा है कि फिर जातीय मुद्दा ही सबसे ज्यादा हावी रहेगा? लग रहा है यहाँ की कुछ होगा पार्टी के माध्यम से, जातीय नहीं रहेगा। आप क्या कहेंगे बाबा? हम तो कहे तब केहू कही ना ये नाच होता कि ड्रामा होता, नेता लोग ना है कटुआ लोग है कुल धन हड़पे वाला। ये नेता कोई खड़ा बानू भारत के अंदर चाहे कोई प्रत्याशी दिल्ली से लेकर यहाँ तक सब गर्दन काटे वाला लोग, भलाई करला कोई ना, आपन झोरी भरे वाला रहो। माने बस वोट के समय लोग आते हैं, अब वोट वो नेता ही काट कर खून बाबा का चले जाते हैं। तो क्या आप इस बार चुनाव में वोट देंगे वैसे लोगों को? वोट तो वही लोग आए कर किसका दोगे, सब तो वह है दिल्ली से यहाँ तक कह दिया कि पार्लियामेंट ले विधायक तक सब वही है अपना झोरी भरने वाला, हड़प ले जनता ले कछू जो जना पास हो गया हमारा खजाना भर गया। मैंने अब किसी पे विश्वास नहीं रहा, किसी पे नहीं विश्वास है, किसी पे नहीं, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, कहते नहीं रोज डाल दान 5,000 खाता 2,00,000 खाता राजू गांधी खटाखट बदल दान पैसा वो उनको विश्वास नहीं किया, कोई यानी पे विश्वास हमारा भारत में नहीं की। अब नहीं ना, बस एक आदमी हन लाल बहादुर शास्त्री या बिहार में कर्पूरी ठाकुर रहन,
ये सब आदमी विश्वास है, सब इनका विश्वास नहीं के। अच्छा बाबा आपकी उम्र क्या होगी? 70 निराता है। आपने कई चुनाव देखा है, कई बदलाव देखा है, क्या लग रहा है कि पहले के जो नेता थे और अब के नेता कितना परिवर्तन? पहले के नेता देखिए, जगजीवन राम कम देखे हैं, वो लोग पैदल चलते हैं, बिना गार्ड के चलते हैं। अब नौ नौ को गार्ड और घर के गार्ड लेके लोग चलता का है, ईमानदार लोग बत्तम हूँ, ये लोग ईमानदार बा। वो से पाँच गो घर के गार्ड और पाँच गो सरकारी गार्ड लेके चलत लोग। अच्छा ये बताइए, फिलहाल अभी अगर यहाँ की बात करें तरारी विधानसभा का, तो तरारी विधानसभा में अभी लड़ाई किस में नजर आ रहा है? माले या पांडे जी में जीतने की संभावना किसकी है? जीतने की संभावना किसी को हम नहीं बताएंगे। हाँ अच्छा, आप तो कहे कि किसी मैंने अब तो कोई नेता पे विश्वास नहीं है, लेकिन इस बार क्या आपने मत का प्रयोग करेंगे? मत का प्रयोग मतदान करेंगे? अभी कोई ठीक नहीं है। अच्छा हाँ। ना हमारा नेता नहीं है सही, हम सही वोट कैसे देंगे? मैंने विश्वास उठ गया है। विश्वास उठ गया है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल जी। क्या लग रहा है इस बार अभी चुनावी समीकरण? अभी तो चल रहा है सर, तो अभी क्या बताया जाएगा, अभी पर में सब कोई बजे हुए हैं, सारा लोग तो परे में जुड़े हैं, परब भी जाएगा तब ना इसका निजोड़ मिल जाएगा कौन पार्टी क्या करेगा। लेकिन तरारी में अभी फिलहाल कौन से कैंडिडेट कौन सी पार्टी के बीच में दोनों टक्कर है, आखिर आगे पीछे तो कोई ना हो? भाजपा माले, यही दोनों दोनों है। अच्छा जन सुराज की क्या स्थिति? जन सुराज का स्थिति का जन सुराज है तो का वो बैठा हुआ है, वो तो घूम रहा है, मुझे लग रहा है कि उसका भी जनाधार है। उसका भी बढ़िया जनाधार है, बढ़िया है, बढ़िया है। क्या कहिएगा आप? उसका ठीक है जनाधार। अच्छा। लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये चूंकि अभी बाई इलेक्शन है इसलिए उस पर लोग विचार नहीं कर रहे हैं, अभी तो इधर पांडे जी का ही है, जन सुराज है वॉच में। काम किसका हुआ है? पांडे जी 10 साल रहे, बहुत बेहतर काम किए। सुदामा जी 10 साल रहे, वो काम कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किए। जी हाँ, साफ तौर पे आपने सुना, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप क्या कहेंगे, चूंकि युवा देश के भविष्य कहे जाते हैं, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो नया पार्टी जन सुराज आया हुआ है, ये पार्टी भी आगे तक जाएगी, और जो पांडे जी का जो है, पांडे जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन माले हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं किया, माले काम नहीं किया है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा यहाँ पे? सुनील पांडे जी का पलड़ा भारी है, सुनील पांडे जी का यहाँ पे समर्थन है। अच्छा ये बताइए, लोग जो हैं बार बार कह रहे हैं कि बाहुबली के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इस पर क्या कहेंगे? लगता है कि सुनील पांडे आपके लिए बाहुबली हैं? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। अच्छा नहीं, सर नहीं, बाहुबली का तो मान लीजिए कि दूसरा रूप होता है, लेकिन ये जो हमारे बीच में नेता की तरह आते हैं और हमारे गांव में और इधर पंचायत में काम भी करवाते हैं और भाई बंधु की तरह मतलब हम लोगों से मिलते भी हैं। अच्छा। जी हाँ, साफ तौर पे यहाँ के लोगों की बातें को आपने सुना, और कहा जाता है कि चुनावी चर्चा जो है खासकर चाय और पान की दुकानों पे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम हसन बाज़ार के एक पान के दुकान पे आए और यहाँ जो लोग बैठे थे, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये तरारी विधानसभा के मतदाता हैं, और इन लोगों का कहना है कि विकास इस चुनाव में मुद्दा रहेगा, लेकिन अगर जो यहाँ विकास करना चाहिए था वो विकास यहाँ फिलहाल नहीं हो पाया है। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि आगामी 13 नवंबर को जब मतदान होने वाला है, उस दिन तरारी की जनता अपना मत का प्रयोग कर किसको इस इलाके का सरताज बनाती है और किसे पुनः अपने घर वापस करती है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, तरारी विधानसभा, बिहार तक के लिए।